होता है, टेंथ का एग्जाम होता है जब, कक्षा दसवीं का, तो घबराहट है। अगर झूठ बोलूंगा कि नहीं कोई घबराहट नहीं और हम जीत रहे हैं और हम जीत चुके हैं और हाँ कल मेरी सत्ता होगी, ये सब ड्रामा हम नहीं कर सकते। डर बहुत है। महादेव की नगरी में बनारस में हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, पत्नी कर रही, माँ दिया जलाई के गाँव में, और उम्मीद है कि कल भगवान को चमत्कार करेंगी और लाज रखेंगे हमारी। बस क्या पूजा पाठ अभी से शुरू हो गए? ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है अंदर, इंसानियत का, मानवता का जाप चल रहा है, जौनपुर को बदलने का जाप चल रहा है, एक अच्छे इंसान को वहां पर आने का जाप चल रहा है। बस यही। अगर जनता आपको जीत के सहारा पर जाती तो सबसे पहले क्या लोगों की? पहले तो रोएंगे बहुत खुशी से, फिर नाचेंगे, फिर पार्टी करेंगे। रात में ऐसा जश्न होगा जैसे जौनपुर ने कभी देखा नहीं होगा। फिर इसके बाद वो सारे वादे जो पूरे करने थे वो सब करने की तैयारी करेंगे, सबके पैर छुएंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान ने और सबने कहा है कि मैं हार जाऊंगा। मेरे संगठन ने भी उम्मीद छोड़ दी मुझसे, तो कल कोई चमत्कार हो जाए। आज बनारस किस लिए आए हैं? विश्वनाथ के चरणों में आए, मैं उनका भक्त हूँ, अपने पिता के पास आया। जब कोई सहारा नहीं रहता तो अपने पिता के पास इंसान जाता है, अपने पिता के पास आया। संगठन भी चाह रहा है।